नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप प्लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के बड़े बड़े नेताओं को अब डर लगने लगा है। किनसे डर लगने लगा है? बिहार के पुलिस से डर लगने लगा है। बिहार के पुलिस से अपराधियों को डर लगना चाहिए, लेकिन अब बिहार के बड़े बड़े नेताओं को जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें डर लगने लगा है पुलिस से। ऐसा क्यों? धमकी भी मिलने लगी है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बिहार के सांसद हैं, आरजेडी के सांसद हैं, बक्सर से सुधाकर सिंह, उन्होंने एक पत्र लिखा है। पुलिस अधीक्षक जो हैं कैमूर के, उन्हें पत्र लिखा है और पत्र लिखकर वहां के जो एसपी हैं उन्हें क्या बताया है, उन्हें ही धमकी मिलने लगी है। सुधाकर सिंह हैं आरजेडी के एमपी, हम बिना किसी देरी के तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, इस बार सांसद हैं। उन्होंने लिखा है, रामगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा मुझे धमकी देने के संबंध में। सोचिए, रामगढ़ थाना के जो प्रभारी हैं उन्होंने सुधाकर सिंह को ही, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा में वो सदस्य रहे, विधायक रहे, अब सांसद हो गए, उन्हें ही धमकी दे दी। किन्होंने? रामगढ़ थाना के जो प्रभारी हैं, रामगढ़ थाना अध्यक्ष, उन्हें धमकी दे दी है। क्या धमकी दी है वो भी आपको इस लेटर में दिखा रहे हैं। जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर के बाद कहने का, बिहार में अफसरशाही हावी है। ये आरोप जब लगता है सरकार पर, जेडीयू बीजेपी की सरकार पर, तो इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। ये आरोप अक्सर लगते हैं, इसके बाद भी पता नहीं क्यों सरकार किस निद्रा में सोई हुई है, पता नहीं। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम नरहन और लबेदहो के किसानों द्वारा हमें सूचना मिला कि रामगढ़ थाना प्रभारी द्वारा रात के 12 बजे किसानों के घर पर जाकर धमकी दिया गया है। इसके अलावा पूर्व में मेरे द्वारा एक रामगढ़ थाना में धमकी का शिकायत दर्ज कराया गया था, जिसका पत्रांक 24/53 है एवं दिनांक 2/9/2024, यानी कि इसी महीने 2/9/2024 को उसका शिकायत दर्ज कराया गया था। उसका पत्रांक संख्या भी दिया गया है, जिसमें अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगी गई थी तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके संबंध में जब मैंने फ़ोन पर थाना प्रभारी से बात किया तो थाना प्रभारी ने मुझे यह बोला कि आप जैसे सांसद विधायक को मैं अपने जेब में रखता हूँ। सोचिए, रामगढ़ थाना के जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी हैं, वो कितने हिम्मत वाले हैं, कितने बड़े नेता हैं। ऐसे ऐसे सांसद विधायक को अपने जेब में रखते हैं, सुधाकर सिंह जैसे सांसदों को, विधायकों को। क्या सच में बिहार में अफसरशाही हावी नहीं है? ये इस पत्र के बाद साबित होता है। मजबूरन सुधाकर सिंह को ये पत्र लिखना पड़ा। आप जैसे सांसद विधायक को मैं अपने जेब में रखता हूँ और कहा गया कि आप जहाँ मर्जी शिकायत दर्ज करा लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप इस विषय को अति गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी पर जांच कराकर तुरंत कार्रवाई करने का कार्य करें। पूर्व में दिया गया पत्र भी छायाप्रित है, यानी कि पूर्व में जो दिया गया पत्र था वो भी उसमें संलग्न कर दिया है सुधाकर सिंह, जो कि सांसद हैं, और उन्होंने आज ही यह पत्र लिखा है 8/9/2024, यानी कि आज का यह पत्र है। लोकसभा के सदस्य हैं सुधाकर सिंह। तो देखिए, अब जब थाना प्रभारी भी ये कहने लगे कि आपके ऐसे सांसद विधायक तो हम जेब में लेके घूमते हैं, तो सोचिए बिहार में अफसरशाही कितनी हावी है। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि बिहार में अफसरों के तबादले में खूब मोटा पैसा लिया जाता है। क्या सच में ये थाना प्रभारी भी खूब मोटा कुछ रकम देकर आए हैं, खूब मलाईदार जगह पर हैं? क्या इस बात के इशारे इस ओर नहीं मिल रहे हैं इस पत्र के मिलने के बाद? इसके अलावा कुछ दिन पहले ही देखिए, जब नीतीश कुमार आरा गए थे तो आरा में उनका कई कार्यक्रम था। आरा में वो कई जो सरकार की परियोजना चल रही है उसका निरीक्षण कर रहे थे, कई जगह पर उसका उद्घाटन कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, उसका निरीक्षण कर रहे थे। उस दौरान सुदामा प्रसाद को भी उनके सुरक्षाकर्मियों ने धक्का दे दिया। सांसद हैं आरा के, सुदामा प्रसाद माले से जीत के आए हैं। अब सांसदों को, विधायकों को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी, हवलदार धक्का देने लगे, ये कहने लगे कि आपके ऐसे जनप्रतिनिधि तो हम जेब में लेकर चलते हैं। तो सोचिए बिहार के जनप्रतिनिधियों का क्या हाल होगा। सच में लोग अपनी शिकायत लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं और उनकी समस्या का हल कैसे होगा जब थानाध्यक्ष ही कह देंगे? आज थानाध्यक्ष ने कहा है, कल BDO कहेंगे, CO कहेंगे, इसके बाद और भी लोग कहेंगे, कल होगा कोई बहुत बड़ा मामला होगा, न्याय करने की बात होगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार अक्सर ये पत्र लिखती है अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, कि हमेशा जब जनप्रतिनिधि आए या उनका कॉल आए तो उन्हें सम्मान दें। सम्मान देना ज़रूरी है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुनकर आए हुए व्यक्ति हैं। लेकिन क्या ये पत्र सिर्फ उच्च अधिकारियों तक ही रह जाता है या थाना अध्यक्षों तक, थाना प्रभारियों तक भी पहुँचता है?
क्या उन्हें नहीं सिखाया गया है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया कैसे जाता है? तो ऐसे में सुधाकर सिंह जो पत्र लिखा है, सुधाकर सिंह सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने जो पत्र लिखा है कहीं ना कहीं सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है, एक करारा जवाब है कि बिहार में अफसरशाही हावी तो है। जब एक थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी इतना कुछ कह सकते हैं, सोचिए आपके जनप्रतिनिधियों को बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के पास जाने के बाद कैसे गिड़गिड़ाना पड़ता होगा आपके काम के लिए। क्या हाल है बिहार का? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।